आई मिस्टर रियाज मधवानी टीचर गवर्नमेंट यूपीएससी रंगवार लालपोरा जोन सोगांव डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा। प्यारे बच्चों आज मैंने क्लास 8 का साइंस ले लिया है। आज यू टाइटिंग मुझे आज साइंस पढ़ाना है। हमारा जो टॉपिक है लेसन जो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। हमारी लेसन लेसन नंबर 6 है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पेज नंबर 75 पर आप देख, अगर आपके पास मोबाइल है या आप देख पाते हैं तो पेज नंबर 75 पर जो हमारा टॉपिक है वो है प्यारे बच्चों एपिकल्चर। एपिकल्चर एपिकल्चर क्या है आप देखिए। अगर आप सब वीडियो देख रहे हैं तो देखो, एपिकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग बी हाइव्स एंड रेयरिंग हनी बीज टू गेट हनी एंड वैक्स। एपिकल्चर एक्चुअली एक प्रैक्टिस है जो हम घर में करते हैं। हम बी हाइव घर में रखते हैं। बी हाइव में जब ये बीज आते हैं, हनी बीज आते हैं, तो वहाँ है वो हमें हनी देते हैं और वैक्स देते हैं। हनी हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, पानी से खाते हैं, दूध से खाते हैं और रोटी से खाते हैं। और वैक्स जो इसका बाकी मटेरियल निकलता है इसको हम बाकी चीज़ बनाते हैं, शमा से बनाए बाकी चीज़ आज बनाए। यानी प्यारी बात यूज एग्रीकल्चर गर्म मे बनाना तो माश कंड ही पे थोड़ा बड़े आसान वह ज्यादा अच्छे थे अंदर कि जल्द टीन थोमत अत लगे ये माश तमें माश को तमें बेहान है पे तमें माश दिवस माश तपा कर तम नश हासिल इस माश हासिल कर एज फूड और वी कैन यूज इट एज मेडिसन एज मेडिसन इस्तेमाल कर। प्यारे बच्चों मे बोल बी हाई यह गो सी बी हाई गोद गर जहाँ ये बीस बैठते हैं, जहाँ ये अपना मतलब नस्ल नस्ल बढ़ाते और हमें हानि देते हैं, हानि एंड वैक्स। प्यारे बच्चों इनमें से एक ये जो हम बीज है ए कॉलोनी ऑफ हानी बीज कंसिस्ट ऑफ वर्कर्स। जो इनकी कॉलोनी होती है इसमें वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स और स्टार फेमेल्स, ये फेमेल्स होते हैं और इसमें ड्रोन्स भी होते हैं डी आर ओ एन ई एस। ये जो ड्रोन्स होते हैं ड्रोन्स विच आर फर्टाइल बीज, ड्रोन्स होते हैं फर्टाइल बीज, फर्टाइल मेल्स, फर्टाइल मेल्स। यानी बच्चों याद रखो ये जो हॉनी बीज की कॉलोनी होती है, कॉलोनी में होते हैं वर्कर्स, वर्कर्स और स्टाइल फेमेल्स, वर्कर्स के फेमेल, और इसमें ड्रोन्स, ड्रोन्स और फेमेल मेल्स, वो मेल्स होते हैं। आप इस कॉलोनी में ये जो बीज होते हैं ये मेल भी होते हैं फेमेल भी होते हैं। फेमेल तो वर्कर्स होते हैं, ड्रोन्स तो मेल होते हैं। द वर्कर्स बिल्ड और एंड क्वीन, और इनमें से एक क्वीन होती है, एक होती है क्वीन। क्या होती है क्वीन? जो होती है क्वीन इज अ फर्टाइल फेमेल, फर्टाइल फेमेल, ये भी फर्टाइल फेमेल है। यानी इसमें तीन किस्म के होते हैं, एक इस कॉलोनी में होते हैं वर्कर्स, ड्रोन्स एंड क्वीन, एंड क्वीन। द वर्कर्स बिल्ड बी हाइव, जो वर्कर्स होते हैं वर्कर्स स्ट्राइक फेमेल अहज काम बनावान गर बी हाइव माश कम अहज काम अहज काम यह बनावान अहज काम यह बनावान बी हाइव एंड टेक केयर ऑफ लार्वा बे थाना पे लार्वान ख्याल पे लार्वान ख्याल दे एक्ट एज ए फोस्टर मदर्स वर्कर्स फोस्टर मदर्स गए माजे माजे दुद शोत मुहैया कर मोज दिवान दुद फीडिंग यंगर ब्रदर्स कम खाना यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दे गैदर पोलन ग्रेन्स एंड नेक्टर कन्वर्ट द नेक्टर इनटू हनी एंड स्टोर द हनी एंड पोलन इन चैंबर्स कॉल्ड हनी कॉम्ब्स। जब नेक्टर हासिल पोशन पे पोश कुल पे रस और वादा अत बी हाइव मैं अत एज माश त्रा माश प्रोड्यूस कर हनी कॉम्स मैं कॉम्स गए हनी कॉम्स मावान माश जमा कर। द क्वीन बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग एग्स, यू सी क्वीन छ क्वीन फर्टाइल एम्स कौन से ले एग्स ठूलन ठूलन फहदन ठूलन फहदन ले एग्स वाई द ड्रोन्स फर्टिलाइज द क्वीन बी, ड्रोन्स कर फर्टिलाइज क्वीन बी। मे प्यारे बच्चों ब्या कथ याद द हानी इज एक्सट्रैक्ट बाय अ हानी एक्सट्रैक्टर हानी कंटेन यू सी हानी छ हानी गो माछ हानी हानी कंटेनर्स 70% वाटर 70% इसमें 70% वाटर होता है एंड 78% शुगर 78% वाटर में शुगर ये खंडदार आसान खंडदार यानी हानिस में 17% वाटर 78% शुगर बेस में मिनरल्स एंजाइम्स मिनरल्स थे अत में गई अत में मिनरल्स एंड एंजाइम्स भी इसमें होते हैं और विच हेल्प इन डाइजेस्ट ऑफ फूड, ये हमारे फूड को हजम करने में मदद देते हैं।
The purity of honey can be tested by the presence of pollen. पोलन की वजह से हम देखते हैं कि प्योरिटी क्या है, प्योर क्या है, प्योर हनी किस तरह प्योर है, प्योर हनी इवन डिजर्ट वाट ये इज प्योर। अगर इसमें चास की क्या, अगर इसमें चास प्योर माछ क्या है, सोचो प्योर माछ एस की पर बस एस की काय माछ के लिए एस की चीज प्योर माछ इसकी पर पूछो इस करो तो इस तरह प्योर हनी इवन डिजर्ट वाट इसे आवस पर तरावो इन अ ग्लास मेक्स अ थ्रेड थ्रू द डेप्थ ऑफ ग्लास ये बनाए तब रस हिस अगर इन अगर तब रस हिस बनाए तेल छी प्योर माछ अगर इन रस हिस बनाने की तरह प्योर माछ के। इस तरह प्यारे बच्चों आज हमने ये टॉपिक खत्म किया है, इसी के साथ हमने ये लेसन भी कंप्लीट किया है। इंशाल्लाह कल से हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।